अभी अष्टान का पर्व चल रहे हैं और इस पर्व में तीनों लोकों में जहाँ जहाँ देव हैं वो सारे के सारे देव यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से मतलब मध्य लोक में जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप है वहाँ पूजा भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये देव जहाँ भी रहते हैं उनके स्थानों पर जब मंदिर रहते हैं तो वो अपना स्थान छोड़कर यहाँ पर क्यों आते हैं, और अष्टान का पर्व अनादि अनिदन है, दस लक्षण पर्व भी है, लेकिन दस लक्षण पर्व के समय देवों की मुख्यता नहीं रहती है। तो ये पर्व देवों की मुख्यता से है कि मनुष्यों की मुख्यता से है, क्योंकि मनुष्य भी इस समय पूजा भक्ति के माध्यम से इस पर्व को मनाते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। पहली बार जो देवता मध्यलोक में आते हैं, भगवान में तो सब में बराबर शक्ति होती है, लेकिन भगवान की जो मूर्तियां होती हैं सभी मूर्तियां एक समान अतिशयकारी हों ऐसा कोई नियम नहीं। आज आदिनाथ भगवान तो सभी मंदिरों में हैं, तो फिर कुंडलपुर क्यों जाना, वहाँ कौन है? श्री महावीर जी की मूर्ति तो आपके यहाँ भी होगी, फिर श्री महावीर जी क्यों जाते हैं? चंद्र प्रभु तो बड़गांव में भी बैठे हैं, फिर तेजारा को क्यों जाते हैं? मूर्तियों का अतिशय अलग होता है। भगवान तो सब एक चौथी अतिशय से युक्त है, लेकिन प्रत्येक मूर्ति अपने आप में अलग शक्ति रखती है। इसका प्रमाण पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में दिया कि उस समय उपदेश दिया चक्रवर्ती के लिए ऋषभदेव ने, जाओ किसी तीर्थ की विशेष मूर्ति का अभिषेक कर गंधोदक लाओ। अब शमोषण में भी था, अयोध्या में भी मंदिर थे, लेकिन विजयान पर्वत की श्रेणी में जाकर के अरहंत सिद्ध भगवान का अभिषेक का गंधोदक लाके अनिष्ट के निवारण का उल्लेख मिलता है। इसलिए मूर्तियों में भिन्न भिन्न, इसी प्रकार संसार के जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सब में नंदीश्वर द्वीप की जो मूर्तियां हैं ये विशेष शक्तिमान हैं। इसलिए देवता एक साथ समूह रूप में साल में तीन बार वहां जाते हैं, यानी वो देवताओं का तीर्थ क्षेत्र है, यूं मानना चाहिए, देवताओं का तीर्थ, मनुष्यों का नहीं। तो इस कारण से ये अकृत्रिम चैत्यालय उनके चैत्यालय घर में है, 500 धनुष मूर्तियां हैं विमान में, लेकिन उसकी मूर्ति का अतिशय और उसकी मूर्ति के अतिशय में बहुत अंतर होता है, अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव के अनुसार। दूसरी बात है कि वो अष्टान का पर्व में क्यों जाते हैं? अनादि निधन जो अष्टान का पर्व है, दस लाक्षण पर्व अनादि अनिधन है, ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिला। दूसरी बात है, अष्टान का पर्व एक भक्ति का पर्व है जो देवता भी कर सकते हैं और मनुष्य भी कर सकते हैं। दशलाक्षण पर्व एक चारित्र का पक्ष है जो मात्र मनुष्य ही कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है, ब्रह्मचर्य है, ये तप कहाँ करेंगे? देवता तो कर ही नहीं सकते, देवता कोई त्याग नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, देवता किसी प्रकार का संयम धारण नहीं कर सकते, देवता कभी संयम ब्रह्मचर्य व्रत ले ही नहीं सकते, होते ही नहीं उनके यहाँ, क्योंकि वो तो उनकी नियोगी क्रियाएं होती हैं। इसलिए दस लाक्षण पर्व देव पर्याय में, भोग भूमि पर्याय में कहीं भी मनुष्यों के अलावा, उनमें भी आर्य खंड के अलावा कहीं भी दस लाक्षणों का पालन नहीं हो सकता, इसलिए देवता नहीं करते। और ये अनादि अनिधन का कोई उल्लेख देखने में नहीं आ रहा। अष्टान का पर्व भक्ति का है तो इसलिए देवता भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। अष्टांडा पर्व में सिद्ध चक मंडल विधान का क्या विशेष महत्व करने? ऐसा कोई आगम वचन नहीं है, ऐसा कहते हैं, हालांकि हमें श्रीपाल चरित्र में भी देखने को नहीं मिला कि कोटिभट्ट श्रीपाल के कोढ़ दूर करने के लिए अष्टांका में मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, ऐसा कहते हैं। आगम में श्रीपाल आदि चरित्र में ऐसा कोई देखने में नहीं मिला। और दूसरी बात है, कोई भी विधान पर्व के दिनों में करने पर उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में
रावण की धारणा बना बताते हुए कहा कि रावण कहता है जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होना है वो पर्व के दिनों में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो पर्व के दिनों में कोई क्रिया की जाती है तो धार्मिक क्रिया में अधिक शक्ति आती है, अतिशय होता है, जल्दी संपन्न होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मंगल द्रव्य भी मंगल हो, क्षेत्र भी मंगल हो और काल भी मंगल हो। ये अष्टान का पर्व काल मंगल के कारण इस समय ज्योतिष मंडल भी ऐसे योगी नक्षत्र इस समय प्रभावान होते हैं जो हमेशा धार्मिक क्रियाओं करने वाले का समर्थन करते हैं और विशेषता।